ऐसा है कि ये एक सिद्धांत रहा है, आज तक संसार का सिद्धांत रहा है। जब कार्ल मार्क्स ने ये बात कहा कि संसार के मिंत कशो एक हो जाओ, तो कार्ल मार्क्स जानते थे कभी संसार के मिंत एक कभी इकट्ठे नहीं एक होते। लेकिन अगर आपके विचारों के अंदर ताकत है, विचारधारा क्या है, विचारधारा कहते हैं कि एक तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक कर्षण का सिद्धांत है। जितना आप लोगों को आकर्षण कर पाएंगे, हमें उम्मीद है कि जिस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं, ये कोई व्यक्ति ऊर्जा की बात नहीं है, विचारधारा की बात है। जितना हम आकर्षण पाएंगे, उतनी ही विचारधारा से जल्दी लोग अपना सपना बड़े समाज आंदोलन में शामिल होंगे, तो राजनीतिक आंदोलन भी आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब के सपने को आप कहाँ पर देखते हैं, पूरा हो गया? नहीं, बाबा साहब का सपना पूरा नजर होता आ रहा है, हम ये तो नहीं कहते पूरा हुआ है, लेकिन हताश निराश होने की बात नहीं है। आज हालात इतने हैं कि बाबा साहब बार बार तब कह रहे हैं जब 56 से पहले कह रहे हैं कि भारत क्रांति प्रति क्रांति के दौर से गुजर रहा है, और आज भी भारत क्रांति जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, हम क्रांति की बात कर रहे हैं, दुश्मन उसी वक्त क्रांति कर प्रति क्रांति कर देता है, चाहे वो राम मंदिर के नाम पे करे, चाहे रामराज के नाम पे करे, तो देश क्रांति प्रति क्रांति से गुजर रहा है। लेकिन फूले अम्बेडकर की विचारधारा के काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इससे घबराना नहीं है, उन्हें अपनी क्रांति का काम करना है।